हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज फिर से एक लोकेशन पे है और काफ़ी प्यारा लोकेशन है, एक थोड़ा सा कूल है और थोड़ा सा ट्राई करेंगे सामने जो एक घर है कुछ इस तरह से। तो हम पहले एक थंबनेल प्लानिंग जैसे करते हैं, हम हमेशा एक छोटा सा थंबनेल प्लानिंग जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक आप ड्रॉप करेंगे कंपोजिशन को, और वो जरूरी है, वही आपका प्लानिंग है। आप रूल ऑफ थर्ड देख सकते हैं, उसके अंदर गोल्डन पॉइंट, गोल्डन लाइन्स, ये सब मेंटेन कर सकते हैं। एंड अभी मैं ये हाफ एम्पीरियल के ऊपर कर रहा हूँ, पेपर मेरा 8 चिप्स है और हाफ एम्पीरियल मीन्स 22x15 इंच है। और ऑन द स्पॉट में अभी क्या चैलेंज हो जाता है, जब हम छोटे को बड़े में एनलार्ज करेंगे तो बहुत कुछ जो स्पेस को मेंटेन करना एक अपने आप में चैलेंज होता है, तो उसको हम देखेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का आपने देखा ही है कि थोड़ा सा ये जो ब्यूटी है यहाँ का लोकेशन का, और वो नेचुरली जो टोटो वहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे टोटो बोलते हैं इसको, टुक टुक बोलते कहीं कहीं, तो वो नेचुरली काफ़ी ब्यूटी लग रहा है। थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा यूनिक कलर है, तो नहीं मालूम ये अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है बस। तो इसे थोड़ा सा इसी तरह से ट्राई करेंगे, देखेंगे इसके अंदर से ये कलर्स के बैलेंस, जैसे कि आप पीछे आप देख सकते हो रिच लाइन में जो बैकग्राउंड एक देखने को मिल रहा है, एक ग्रे टोन में जाएगा, वो एक वैल्यू है बट वो काफ़ी डार्क नहीं आएगा, ठीक है, तो वो भी हमें देखना है। और चलिए स्टार्ट करते, देखते बड़े पेपर में ड्राइंग भी करते और कलर भी करेंगे। ओके, तो थंबनेल सामने होना चाहिए ताकि वो हमारा प्लानिंग है उसे सामने रख के हम काम करते हैं। और इस समय बहुत हल्का हल्का, मतलब जो भी हम ड्रॉ करेंगे हल्के हल्के से ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि बहुत डार्क कर देंगे, जिससे कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी कहीं रिपेयर करना हो तो आपको रिपेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। इस समय मेरा जो आई लेवल्स है वो इस एरिया में है, आई लेवल्स, तो आई लेवल्स को मैं यहाँ पे गोल्डन लाइन पे लेके आऊँगा और उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो है जहाँ पर मैं आई लेवल्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो उसको बारे में मैंने बताया, उसकी छोटा सा क्लिप है, उसे जरूर देखना है, वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। आपको अक्सर आई लेवल समझ में नहीं आता, आई लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ड्राइंग पर्सपेक्टिव जो की है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, देन मैं हल्का हल्का प्लानिंग के साथ यहाँ के जो ब्यूटी है, वो छोटा सा घर है और कहते हैं ना जो ओल्ड होते हैं वो गोल्ड होता है, क्योंकि वो ओल्ड नेचर के साथ जब बरसों से रहता है तो उसके अंदर एक नेचुरली उसके अंदर एक ब्यूटी ऐड ऑन होता रहता है, ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है। और तो अगर मेरा आई लेवल नीचे है तो ये लाइन जो है थोड़ा डाउन में जाएगा, और ये मेरे कॉर्नर अगर मेरे सामने है इसके राइट में भी डाउन में जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ भी रेखा इस तरह से मूव करता जाएगा। यहाँ पे जमीन का जो स्थिति है, यहाँ पे एक अंदर ही अंदर एक जो स्पेस है जो कि विंडो और दरवाजा के लिए होता है, और यहाँ पे कुछ वॉल से घिरा हुआ है तो वो वॉल भी हम डाल सकते हैं ऐसा करके, कुछ बैम्बूस वगैरह जो कि एक्सटेंड किया हुआ जो एरिया है उसको। यहाँ पे जो टाली वगैरह है उसका जो चौड़ाई भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मोटा कर देंगे तो वो क्या होगा, पास में आ जाएगा ऐसा ना, नज़दीक हो जाएगा वो, तो इसलिए उसका जो कितना पतले हो रहे वो भी देखना है, उसका डायरेक्शन भी देखना है कि पहले शुरू में ऐसे ऐसे आता है फिर ये इस तरह से मूव करता है, तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। छोटे से चीज़ में हमें इसी तरह से समझना है ही क्या है, चीज़ों में क्या है, और वो यही सब चीज़ें जो कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करना है। आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्लेन एयर पेंटिंग करना तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के करने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे जैसे कि एक घर ऐसा मिला उसको बनाइए, एक पेड़ ऐसा मिला उसको बनाइए, तो ठीक है वैसे ऐसे करके आप चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं टाली का जो आउट लाइन जो मुझे देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से, इस
इस तरह से। यहाँ पे केले का पेड़ है, पता नहीं काफी ब्यूटी है वो, तो उसे जरूर रखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा तो रख देते, कारण बाद में ढूंढेंगे अच्छा लगने के कारण क्या है। नेचर के आगे तो हम नहीं जा सकते, तो नेचर अगर है, यहाँ पे भी नेचर में ब्यूटी है, तो हम कौन होते हुए उस ब्यूटी को क्रैक करें या खराब करें। ओके, एक केले का पेड़ देखने को मिला, जिससे कि ये गैप जो है वो भी खालीपन भी दूर हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे कुछ पेड़ पौधा बहुत सारे हैं, कुछ पाम ट्रीज वगैरह, और क्या है कि आप जैसे थंबनेल तैयार करते हैं तो उससे आपको जल्दी होता है, ये ध्यान रखिएगा। थंबनेल के बगैर आपको जल्दी नहीं हो सकता, बट थंबनेल बना लेंगे तो जल्दी होता है। तो ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जब भी फिगर मूव करते हैं उसके साइज वाइज आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे जो है वो जो ऑटो रिक्शा बोलते हैं बैटरी वाला, उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा जरूर बनाएंगे, पता नहीं आज खूबसूरत तो लग रहा है। उसके साइज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ऑलमोस्ट इसी लाइन पे है, थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गया, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, मेरे ड्राइंग करने में थोड़ा सा सुविधा होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो उसकी जो लंबाई के साथ उसके जो नीचे चौड़ाई है उसे ध्यान रखना होता है। हेडलैम्प तो बहुत हल्के हल्के पेंसिल स्ट्रोक्स के जरिए आप जो ड्राइंग को थोड़ा सा अंगन में लाइट हाईलाइट देखने को मिलता है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा जमीन डाउन है, देन कुछ ग्रीनरी है, ये वाला पार्ट ग्रीनरी है। बट यहाँ पे कुछ घरों का सिलसिला, यहाँ पे एक जो कि बड़ा सा बिल्डिंग है, एक साइड से फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टोर रूम टाइप का देखने को मिल रहा है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम रखते हैं।
और इसके पीछे इसको झिकझक मेंटेन करने के लिए एक मैं और एक घर का छत यहाँ पे डालता हूँ, जो कि पीछे है ऐसा महसूस कर जाए। सामने वाला का जो कंडीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ पेड़ का पेड़ बना के भी हम इसको भर सकते हैं। ये केले का पेड़ यहाँ पर भी है, तो ये केले का पत्ते और इसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि अभी 1 मार्च को मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। दिल्ली में 1 डे लैंडस्केप वर्कशॉप है, तो अगर दिल्ली से कोई नज़दीक हो तो वो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा लैंडस्केप के ऊपर मैं जो भी उसके अंदर सीखने के लिए जो भी कुछ है मैं शेयर करूँगा वहाँ पे। दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह से छत डाल दिया, तो उसको टाली भी बना सकते हैं या तो जैसे टिन शीट्स भी डाल सकते हैं। इसके बारे में मैं देख रहा हूँ क्या करना कि नहीं करना, थोड़ा सोच रहा हूँ ऐसा, देखेंगे। अभी बात आता है कि 2-4 फिगर्स की, वो फिगर्स भी बहुत ज़रूरी रहता है। फिगर्स के मूवमेंट किधर होना चाहिए, जैसे ये मेरा मेन घर है, मेन सब्जेक्ट है, तो शायद वो मूवमेंट उस तरफ देने से अच्छा रहेगा, या ये इधर से इधर को देख रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा बच्चा देखने को मिलता है मुझे, तो आंगन में खेल रहा है वो। थोड़ा ज्यादा हेड बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा होगा। ओके, थोड़ा सा पेंसिल लाइन हल्का कर देना है, तो मैं हल्का करके छोड़ देता हूँ, बाद में ये कलर के जरिए कर लेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि एक बच्चे हैं, तो कुछ यहाँ पे बर्तन भंडा डाल देते, थोड़ा सा बच्चे खेल रहे ऐसा कुछ महसूस हो जाएगा। ओके, देन एक फिगर यहाँ पे हम बना सकते कि इधर मूवमेंट मतलब इस तरफ जाते हुए, तो मैंने नोटिस किया कि जो यहाँ पे जो टोटो है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट है क्या हो रहा है, क्या होना चाहता है, उसी हिसाब से मैंने उस समय नोटिस किया कि यहाँ पे जो भी फिगर आएगा उसका क्या हाइट रहेगा। तो मूवमेंट इस तरह से डालना है, क्या वो अच्छा लगेगा या इधर कोई मूवमेंट डालने से भी ठीक है अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा साइड में मजा नहीं आएगा ज्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ भी हो जाए इसको थोड़ा सा सामने डालते हैं।
तो जब गांव की बात आता है तो ऑब्वियसली पैंट शर्ट नहीं डालने का, लुंगी डालने का है। कुछ तो काम करने लायक ऐसा कुछ औजार अगर आप हाथ में डाल देते कैसा लगेगा? हाँ कुछ तो काम के लिए है जो भी। ऐसा लगेगा कुछ। आप यहाँ पे एलिमेंट डाल सकते हैं जैसे कि बकरी वगैरह, जिससे आपको क्या होगा और थोड़ा सा भर जाएगा। कुछ पेड़ पत्ते ऊपर से आएगा, जैसे ये आम का पेड़ यहाँ पे था, वो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा मेरे कंपोजिशन को ऐसा लग रहा है। और जो यहाँ पे जो दीवार सा था, जो घर था, उसको हटा के मैंने बहुत कुछ ऐसा सजा दिया। तो कई बार आप काम करते हुए ये आइडिया आता है कि क्या करना है वहाँ पे, तो वो एक जो विजन है या आपको जो देखने की शक्ति है वो धीरे धीरे डेवलप होता है जैसे जैसे आप काम करते हैं ऑन द स्पॉट में। तो वो यूं ही नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा उसके लिए आप जैसे जैसे काम करेंगे धीरे धीरे वो डेवलप होगा कि क्या कर सकते हो और क्या कर सकते। एक बच्चे अगर आपको थोड़ा सा ऐसा ऑड लग रहे तो आप दूसरा बच्चे यहाँ पे बैठे हुए ऐसा तो आप बना सकते हैं। बट इसके लिए क्या है कि आपको ना ड्राइंग की प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है ना, तो वो बच्चे बैठेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा, गिर जाएगा, ये सब चीजें होता है। तो यहाँ पे एक बच्चे बैठे भी उसके साथ, तो वो क्या हो गया अभी वो बात बन गया है ना, थोड़ा सा कंपोजिशन में थोड़ा सा ज्यादा वेटेज आ जाता है। एनीवे तो इसे कलर्स करते हैं, ट्राई करते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर पैलेट दिखेगा और मैं गाइड करूंगा। कुछ लाइट्स कलर्स इस आंगन में देखने को मिलता है। थोड़ा सा सैप ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन, ग्रीन गोल्ड एंड बंटम्बर लिया। बंटम्बर सैप ग्रीन, गोल्डन ग्रीन, তুমি উপরে বসো। তো ছোট সুযোগ গ্রিন কাজু কাফি বিউটি গ্রিন হ্যাঁ পে तो जिसके वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसे लाइट ग्रीन इस्तेमाल किया और मेरे फ्रूट ग्राउंड में है तो सेचुरेट कर सकते थोड़ा। ओके देन कुछ अल्टामरीन एंड बंटम्बर, तो मैं वेट ऑन वेट जैसे कि वो शेडोज के बीच में, गार्डन के बीच में शेडो सा महसूस हो, उसके लिए मैं कुछ इस तरह से कलर्स को ऐड किया, अल्टामरीन और बंटम्बर। ओके अल्टामरीन थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज, थोड़ा सा लेवेंडर इस एरिया के लिए,
आसमान में एक तो अच्छा खासा लाइट्स है और देन इसके जो बैकग्राउंड में कलर इंटरेस्ट है, देन कुछ जाऊंगी पत्ते बोलता हूँ, जाऊंगी बोलता हूँ, जाऊंगी अल्टामेरियन बंटम्बर, थोड़ा लेवेंडर, स्टेज में एक दूसरे के साथ कलर जो है ओके तो बहुत सारे कलर ड्रॉपिंग, कलर से थोड़ा सा लाइनिंग डाला जिससे कि वो जो दूर जो पेड़ का जो सिलसिला ऐसा पेड़ देखने ऐसा महसूस होने लग जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो समय है किस समय में क्या करना है, जरूरी है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हर एक कलर्स ये स्टेज में एक दूसरे के साथ कलर्स जो है यहाँ पे जो जो ऊपर छत की जो टाली है उसके अंदर भी वो ग्रीन कलर देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि वो नेचर में वो ब्यूटी ब्यूटी तो यही है, देखिए क्या कलर्स की ब्यूटी है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी पिंक भी दिखता है, रेड भी दिखता है, ऑरेंज भी, ग्रीन भी। ओके, दीवार जो है थोड़ा मिट्टी आर्थ कलर, तो ऐसा रो अम्बर बंट अम्बर ऐसा कुछ कलर हम लगा सकते हैं। साथ में अल्टामेरियन को ऐड कर देता हूँ। अनऑथराइज जो व्हाइट है नहीं छोड़ेंगे इस तरफ। स्टेज में सब मिक्स करता हुआ जो है कलर्स को नीचे चलते।
जैसे इसे थोड़ा सा टिन सीट्स कलर होते वो रखने की ऐसे सोचा, जैसे कि ब्लू वायलेट टाइप का कलर्स अप्लाई किया है। रोम्बर्स अल्टामिनियम बंट अम्बर जैसे कुछ ईटा पुराना निकलता है कलर्स के बैलेंस भी हो जाता है राइट एंड लेफ्ट में। थोड़ा सा गीला रहते रहते ब्रश को गीला करके थोड़ा इस तरह से अगर हम लाइनिंग डाल देते हैं तो कुछ टेक्सचर ले लेता है, जिससे कि वो टिन शीट के जो टेक्सचर है वो आ जाता है। और केले के पत्ते में जो और भी दो कलर्स है उसे भी लगाना है, बट क्या है कि वो सैचुरेट नहीं है। और जैसे कि कोई अनऑथराइज व्हाइट भी नहीं छोड़ने का है। तो मान के चलते ये हमारा एक फास्ट वॉश कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। बट यहाँ पे जो कलर उस ऑटो रिक्शा पे है उस कलर्स को थोड़ा सा अच्छी तरह मेंटेन करना है। टर्कोइस ठीक रहेगा उसके लिए, बहुत सैचुरेट होगा तो बाद में देखेंगे, पहले तो एक कलर्स जो कि ब्यूटी लगे ऐसा कुछ सोच रहे हैं। देन कुछ डार्क कलर जैसे बंट अम्बर अल्टीमेट के साथ हल्का सा कलर्स
कलर इंटरेस्ट या बोलूं या कलर्स में जो ब्यूटी है जो उसमें लाइटन्स लाइट टर्कोइस टू जो डार्क ब्लू टर्कोइस या ब्लैक टर्कोइस की ओर उसके ब्यूटी को ध्यान रख रहा हूँ। और ऐसा नहीं पूरे पूरे एरिया में भर देना है और उसके लिए ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना, ज़्यादा देर भी नहीं करना, जैसे कि बुलेट होने से ड्राई हो जाएगा और मर्जिंग नहीं होगा ठीक से। तो कुछ इस तरह से हम हाई लेवल थोड़ा नीचे है इसलिए वो जो ऑटो के नीचे वाला छत का पार्ट थोड़ा दिख रहा है। इसके बीच में बहुत सारे जैसे लाइट्स दिख रहा है उसका कोई कारण नहीं है तो थोड़ा बहुत बुझा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है कि क्या है वो। हाँ एक तो कलर ये है कि उस ग्लास के ऊपर कलर के इंटरेस्ट को या कलर के इंटेंसिटी या कलर के डार्कनेस को धीरे धीरे डेवलप करना है ज़रूरत के मुताबिक। एकदम सडनली अगर आप बहुत कलर्स यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो आपको मौका नहीं मिलेगा बाद में। तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ मेरा लाइट सोर्स है इस तरह से है थोड़ा, जो भी ऊपर से इस तरह से है, कलर्स किस तरह से होना है या रेफरेंस के अंदर मुझे महसूस हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप बोल्डनेस या बोल्ड कलर स्ट्रोक का इस्तेमाल करना सीखिए अभी की स्टेज से, ताकि आगे जाके अभी बहुत सारी गलती होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बट आगे जाके आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो अच्छा होगा, आपके डर निकलने में बहुत मदद करता है। और वही चीज़ को आपको सोचना है कि खराब हो गया तो हो गया, पेपर तो आपका ही है। जमीन के ऊपर थोड़ा सा शैडो आएगा, उससे वो लोकेट हो जाता अच्छी तरह। पहली बार ऐसा सेटअप हुआ कि रेफरेंस भी थोड़ा दिख रहा है, पैलेट भी दिख रहा है और ये भी। एनीवे ओके, तो एक लाइटली कलर यहाँ पे चाहिए जो कि ऑरेंज, अल्टामेरिन, रॉम्बर, हल्का सा
थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज ऐड कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा ईंटा ईंटा महसूस हो जाए, ओल्ड ईंटा। बंट नंबर तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डार्क करके ही काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो जितना ज़रूरत है उतना कलर वॉश के जरिए इस तरह से कलर्स लाइट एंड शेडोज को आप मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ईंटा का जो वेरिएशन आप ला सकते हैं, बट बहुत मतलब हल्का होना चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए। ज़्यादा डिटेल्स ना भी हो चलेगा, क्योंकि वो दूर है, अंधेरे में है। थोड़ा रेड ब्राउन अल्टामेरिन बंट अंबर इसके साथ थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट गीला है, तो इस गीले के टाइम पे थोड़ा सा जो और जो अंदर के जो अंधेरापन है, जो दरवाजा टाइप का जो ओपन है उसका,
तो ये डार्क एक्चुअली हमें फ्रेम देता है, अल्टामरीन। हाँ, बिरिडियन ऑलिव ग्रीन। जैसे कि ये उसके अंदर वो लाइट ग्रीन के साथ ही शेडिंग करना पड़ेगा। कोई भी चीज एक एक कलर तो नहीं है उसके अंदर।
कुछ नेचुरली टेक्सचर नेचुरली कुछ इफेक्ट आने के लिए कुछ इस तरह से कलर्स को ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा रॉ अम्बर और सैप ग्रीन के साथ स्टार्ट करते हुए बंट अम्बर अल्टामरीन अंदर से ग्रीन थोड़ा लूनर ऐड कर रहा हूं यहाँ के कलर्स के वैल्यू के अनुसार हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ा। धीरे धीरे हम डिटेल्स की ओर पहुंच गए। लाइट इधर से ध्यान रखना है, जब भी आप प्लानिंग कर लेते बैठ जाते हैं आपके लाइट इधर से होना चाहिए, तो जिससे कि आप काम करते हुए ओके लाइटली हम कलर्स को ऐड किया। बकरी Thank you.
तो जो डिटेल्स वाला काम हो रहा है वो क्या एंड में कर रहे हैं हम लास्ट में आके, तो ये काम शुरू में नहीं करना है। तो अक्सर हम बिगनर्स क्या करते हैं कि अच्छा देखने के लिए आप जल्दी से क्विकली मतलब बाहर आने के लिए काम को, या अच्छा देखने के लिए हम डार्क अप्लाई कर देते हैं, वो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। यहाँ पे मुझे कुछ बैम्बूज बनाना है, तो कोशिश करेंगे कलर लिफ्टिंग के जरिए थोड़ा सा दिखाने की। दो चार कलर स्टॉक उसके आसपास डाल के हम उसको समझा सकते हैं। देन इसके ऊपर जो टाली वगैरह जो है वो भी थोड़ा सा हम करेंगे। काम करते समय बीच बीच में आपको थोड़ा सा दूर से देखना चाहिए कि काम का आउटपुट क्या हुआ, कैसा हुआ। अल्टीमेट रेड ब्राउन, ऑलिव ग्रीन नहीं, रॉ अंबर। धीरे धीरे स्पेस जो है कम होते जाएगा, क्योंकि ये जो है ऐसा दिखाने के लिए। इस समय थोड़ा सा सीधा सीधा देखने को मिल रहा है स्टॉक्स। धीरे धीरे इस तरह से जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रोमिनेंट करके किया गया, बट उसके अंदर एक रैंडम स्ट्रोक्स है। और हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, हल्का सा थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हल्का सा स्ट्रोक्स यूज करके उसे एक नेचुरल या
लाइट एंड शेडोज का असर हम ऐसा दे सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो शेडो है। पूरा पूरा होता तो उसमें अलग सा दिखता अभी, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा नेचुरल हो गया। तो जो बकरी बनाना है या डॉग बनाना है, जो भी बनाना है, उसके एनाटोमी आपको मालूम होना चाहिए। उल्टा पुल्टा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए वो ड्राइंग की नॉलेज होना चाहिए कि एक डॉग कैसा देखने में लगेगा, एक जो बकरी है वो कैसा देखने में लगेगा।
बहुत कुछ करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये बात तो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, आपको क्या सीखने को मिला वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। थोड़ा सा नज़दीक से आप इसे देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट आ रहा है। ओके, ये हो गया छाए में। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी कंपोजिशन के साथ। टाटा बाय।